हेलो दोस्तों, नमस्कार। दादी नानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाना है। और बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बनाने में दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। उल्टी साइड से ये ऐसा है और सीधी साइड से इस तरह दिखेगा। चलिए मैं आपको बता दूँ कैसे बनाना है। सीधा साइड फंदा उतार लीजिए, फिर ये दो फंदों एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके दो फंदे पीछे से बुनना है, और फिर एक फंदा आगे एक फंदा पीछे एक करके ऊपर आगे का फंदा सीधा बुनना है, फिर एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे बैक से बनाना है, फिर एक फंदा छोड़ के एक फंदा बनाना है सीधा। पहले दो फंदे बुनने पीछे से, फिर एक फंदा उल्टा बनाना है, एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर पीछे से इसको सीधा बनाना है बैक से, फिर पीछे का फंदा छोड़ के फिर एक फंदा सीधा बनाना, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करें, फिर ये दो फंदों को पीछे से बनाएं, फिर एक फंदा फिर छोड़ दीजिए पीछे का और आगे का फंदा को सीधा बना लीजिए पीछे से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर बैक से सीधा बनाइए, फिर एक फंदा पीछे का छोड़ के पीछे से सीधा बनाना, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे पीछे से सीधा, फिर एक फंदा छोड़ देना, छोड़ के फिर एक फंदा बनाना पीछे सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा छोड़ के एक फंदा सीधा पीछे से, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करें, दो फंदों को पीछे से बनाएं, फिर एक फंदा छोड़ दीजिए पीछे का, फिर इसको सीधा बनाएं पीछे, फिर उल्टा फंदा बनाएं, धागा आगे करें, उल्टा फंदा बनाएं, धागा पीछे करें, फिर दो फंदे पीछे से बनाएं, फिर एक फंदा छोड़ के फिर एक फंदा बनाएं। इस तरह पूरी सिलाई आपको बुननी है। और एक फंदा बीच में उल्टा जरूर बनाना है, फिर इसको पीछे करें, फिर दो फंदों को पीछे से बनाएं, फिर एक फंदा छोड़ दीजिए, फिर एक फंदे को बैक से ही बना लीजिए सीधा, फिर एक फंदा उल्टा बनाएं, फिर धागा पीछे करें, दो फंदों को पीछे सीधा बनाएं, फिर एक फंदा छोड़ के एक फंदा सीधा बनाएं, और एक फंदा उल्टा बनाएं, धागा पीछे करें, फिर एक फंदा छोड़ के सीधा बनाएं, और फिर एक फंदा उल्टा बनाएं, और लास्ट का फंदा सीधा बनाएं। सिलाई वाला इस तरह ये सीधी सिलाई मैंने 200 ख़त्म कर लिए। अब मैं उल्टी सिलाई पे आती हूँ। उल्टी सिलाई आपको ये फंदा उठा लिया और एक फंदा सीधा बनाया और एक फंदा उल्टा बनाया और एक फंदा आपको
बिना बुनाए उठाना, धागा आगे रखना बिना बुना उठाएं, फिर धागा पीछे करना, फिर सीधा फंदा बनाना, फिर एक फंदा उल्टा बनाना, धागा आगे रखना और एक फंदे को स्लिप करना और धागा पीछे करना और सीधा फंदा बनाना, फिर एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर धागा एक फंदे को स्लिप करना है, फिर धागा पीछे करना है, एक फंदा सीधा बनाना है और एक फंदा उल्टा बनाना है, और एक फंदे को धागा आगे रखना है और एक फंदा स्लिप करना है, धागा पीछे करें और फिर एक सीधा फंदा बनाए, फिर एक फंदा उल्टा बनाए, फिर एक फंदे को आप स्लिप करें बिना बुनाए उठाएं, और एक फंदा सीधा बुने, एक फंदा उल्टा बनाए और एक फंदे को बिना धागा आगे रख के एक फंदे को बिना बुनाए उठाएं, एक फंदा सीधा उठाएं बुने और एक फंदा उल्टा बनाए, और धागा आगे रख के एक फंदे को बिना बुनाए उठाएं, एक फंदा सीधा बुने, एक फंदे को उल्टा बनाए और एक फंदे को बिना बुनाए बुने उठाना है, एक फंदा सीधा बनाए, एक फंदा उल्टा बनाए और एक फंदे को आप बिना बुनाए उठाना है, और धागा आगे रखना, आप धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाए, एक फंदा उल्टा बनाए और एक फंदे को आप बिना बुने उठाना, धागा आगे करना रखना, पीछे नहीं करना, फिर धागा पीछे करना, सीधा बनाना बुनना, एक फंदा उल्टा बनाना और एक फंदे को स्लिप करना, सीधा बनाए, एक फंदा उल्टा बनाए और एक फंदे को स्लिप करें, धागा पीछे करें, सीधा बनाए और एक फंदे को सीधा बनाए और एक फंदे को लास्ट का सीधा बनाए, इस तरह आपकी उल्टी सिलाई भी ख़त्म होगी, उल्टी सिलाई इस तरह बनेगी। अब सीधी सिलाई तो मैं पहले मैंने आपको बताया था किस तरह बनानी है, सीधी सिलाई में आप एक फंदा सीधा उठा लीजिए और एक फंदा उल्टा बनाइए, और फिर दो फंदों को पीछे से आपको बनाना है, धागा पीछे रखें, दो फंदों को सीधा बुने और फिर एक फंदे को पीछे करके एक फंदा पीछे से सीधा बनाएं और एक फंदा फिर उल्टा करें बुने, ये सीधी सिलाई में इस तरह पूरा आएगा, एक फंदा सीधा बन, दो फंदों को पीछे से बनाएं और एक फंदा फिर पीछे छोड़ दीजिए और एक फंदा सीधा बनाएं और फिर एक उल्टा फंदा बनाए, फिर धागा पीछे करें, दो फंदों को पीछे से बनाएं, सीधा पीछे से सीधा बनाएं, फिर एक फंदों को छोड़ दीजिए और एक फंदों को बनाएं, इस तरह आपको पूरी सिलाई ख़त्म करनी है। दोस्तों ये मैंने सीधी सिलाई दोबारा ख़त्म कर ली है, दो फंदों को पीछे से लेना है बुनना है, फिर एक फंदा इसका छोड़ दीजिए पीछे वाला और फिर इसको बैक से फिर सीधा बना लीजिए, फिर उल्टा फंदा लास्ट का, फिर उल्टा फंदा बुनाई का और एक फंदा जो लास्ट का सिलाई का होता है, इस तरह आपका ये डिज़ाइन ख़त्म होता है। ये दिखने में बहुत ही प्यारा है और बनाने में बहुत ही आसान है, आप इसको ज़रूर बनाएं, और अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।